Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. जनाब शहजाद अरबाब साहब, मेरे कैबिनेट के मेंबर्स, मेरी टीम, मैं सबसे पहले तो शहजाद आपको इसके लिए, इस एफर्ट के लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी था कि हम आखिरी दो साल अपने आप को पुश करें और अपने लिए क्लियर टारगेट सेट करें और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर क्वार्टरली इसकी इसको मॉनिटर करें, क्योंकि ये अब एक साल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो अब से लेके 18 अगस्त 2022 तक है, और उसके बाद अगर ये साल के अंदर हमने अपने टारगेट्स की तरफ चले गए तो वो ऑटोमेटिकली वो साल में हम अचीव कर जाएंगे जो आखिरी साल है। मैं क्योंकि आप मेरी टीम है, कैबिनेट मेरी टीम है, तो मेरी पहली जो टीम थी वो क्रिकेट की थी और मुझे उससे बड़े इंटरेस्टिंग मुझे उसका तजर्बा हुआ, तो वो मैं देखता हूँ, मैं आपकी अपनी कैबिनेट की मीटिंग्स भी देखता हूँ, आपकी कैबिनेट की परफॉर्मेंसेस भी देखता हूँ, मेंबर्स को भी देखता हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि मैं टीम के अंदर जो असूल होते हैं वो किसी भी टीम आपकी हो उसके अंदर वही प्रिंसिपल सेट होते हैं। तो मैंने अपनी जब क्रिकेट की टीम में 10 साल मैं कैप्टन रहा तो मैंने प्लेयर्स को आते देखा और फिर उनकी एवोल्यूशन देखी टीम के अंदर, तो मैंने दो टाइप खिलाड़ी देखे। एक खिलाड़ी होता था जिसमें बहुत टैलेंट था और बड़े बड़े टैलेंटेड, और अल्लाह ने इस मुल्क में टैलेंट ही बहुत दिया, बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी थे, और वो जब टीम में आते थे तो वो जब उनको कामयाबी मिलती थी तो वो उधर ही रह जाते थे, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि उनकी एस्पिरेशंस इससे ज़्यादा थी नहीं। उनकी एस्पिरेशन ये थी कि बस टीम में आ जाऊँ, मेरे नाम हो जाए, दुनिया मुझे जानना शुरू हो जाए और एक टेस्ट क्रिकेटर होते हुए बेनिफिट्स मिल जाएं, और बस वो उधर ही रुक जाते थे। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी ये जो 10 सालों में प्लेयर्स को कामयाब होते देखा और परफॉर्म करते देखा, वो हमेशा वो खिलाड़ी थे जिनमें टैलेंट भी इतना ज़्यादा नहीं होता था लेकिन उनकी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा होती थी, वो अपने आप को पुश करते थे, वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट कर रहे होते थे, यानी नई नई चीज़ें सोच रहे होते थे, और हमेशा वो खिलाड़ी आगे निकल जाते थे, और टीम वो कामयाब होती थी जो सारा वक्त अपनी इवेल्यूएशन करती थी। जो अच्छी टीमें होती थी वो जब वो हारती थी तो वो अपनी एनालिसिस करती थी, जो ग्रेट टीम्स होती थी वो जीत के अपनी इवेल्यूएशन करती थी, यानी जो कॉन्स्टेंट एनालिसिस होता है इंसान के या टीम के या मुल्क के या इदारे के, उसकी कामयाबी का राज ही ये होता है कि आप अपनी जो एनालिसिस है, जो अपना तज्जिया करें, वो बाकियों से बेहतर करें। जो तालीम है, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, वो सबसे ज़्यादा सिखाती क्या है, वो आपकी एबिलिटी टू इवेल्यूएट करना सिखाती है, टू एनालाइज। ये जो एनालिसिस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो आज टारगेट्स आपने खुद ही तय किए और जिनकी हम इवेल्यूएशन करेंगे, जो मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने, जो इंशाल्लाह बड़ा अपना नाम बनाएंगे, वो अपने टारगेट्स को एक्सीड करेंगे, और ये अपनी टीम के लिए एक और मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखें, हम रियलाइज़ नहीं करते कि अल्लाह ने हमें कितना पोटेंशियल दिया। अब मैं अपनी ब्यूरोक्रेट्स की टीम को भी कह रहा हूँ और अपनी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनको भी कह रहा हूँ, इंसान हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। अल्लाह ने जब अशरफुल मखलूकात इंसान को दिया और फरिश्तों को कहा कि उसके सामने झुको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि फरिश्तों ने जब शैतान को, उसका तो यही जुर्म था ना, उसने कहा कि मैं तो आग का बना हूँ, मैं इसके मिट्टी के सामने क्यों झुकूँ, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इसको कितनी सलाहियत दी है, कितनी नॉलेज दी है, हमें खुद ही नहीं पता होता,
हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम अपने टारगेट्स ही बड़े लो सेट करते हैं, और फिर जब मुश्किल वक्त आती है हम हार जल्दी मान जाते हैं, हम हार मान जाते हैं कि जी हो ही नहीं सकता। तो जो मेरी जिंदगी का तजर्बा है और वो क्रिकेट से शुरू हुआ कि जब तक आप हार नहीं मानते, हार आपको हरा नहीं सकती। जब मैंने जो मेरा क्रिकेट का तजर्बा था वो मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल में, मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ डॉक्टर फैसल सुल्तान है जो शुरू से मेरे साथ थे, और रजाक दाऊद, और ये शौकत तरीन, ये बोर्ड पे थे शौकत खानम के। ये मेरे ख्याल में शौकत और रजाक दोनों उस बोर्ड मीटिंग में थे। हमने जब सारे लाहौर के टॉप डॉक्टर्स को बुलाया कि तीन साल हम कोशिश करते रहे, मैं कोशिश करता रहा, समझ ही ना आया कि हम शुरू किधर से करें कैंसर हॉस्पिटल बनाना। तो हमने लाहौर के टॉप डॉक्टर्स को बिठाया, उनसे हमने डिस्कशन की, बताया कि ये मेरा विजन है, ये मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, कैंसर का हॉस्पिटल, और गरीबों के लिए मुफ्त इलाज करना चाहता हूँ। तो मुझे अभी भी याद है वो 20 डॉक्टर्स थे, 19 ने कहा कि नहीं बन सकता। मुझे अभी भी याद है रजाक की शक्ल के ऊपर क्या हुआ और शौकतरीन के ऊपर क्या गुजरी जब 19 ने कहा नहीं बन सकता। एक ने कहा कि बन जाएगा, लेकिन आप गरीबों का कैंसर का मुफ्त इलाज नहीं कर सकते। और पहली बोर्ड मीटिंग हुई, वो भी ये दोनों को पता होगा, इसको दोनों को, शौकत को और रजाक को, हमने एक बाहर से लेके आए, एक अमेरिकन था सीईओ जिसको हमने हायर किया, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट कैंसर का जो हॉस्पिटल वो बनाना, सारे कहते थे इतना मुश्किल है क्योंकि इस पर बड़ी कैपिटल इंटेंसिव, यानी इक्विपमेंट बड़ी महंगी होती है, चलाना बड़ा मुश्किल होता है, तो पाकिस्तान में एक्सपर्टीज नहीं थी। उसने, मुझे अभी याद है, पहली बोर्ड मीटिंग में उसने कहा कि अगर आपने 5% से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज करने की कोशिश की, ये हॉस्पिटल 3 महीने में बंद हो जाएगा। तो वो तो चला गया 3 महीने के बाद, और हॉस्पिटल आज दुनिया के अंदर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी कोई मिसाल नहीं है, कि जो 70 करोड़ में हॉस्पिटल बना था, 70 करोड़ में बना था वो हॉस्पिटल, आज हम 9 अरब रुपया सिर्फ हर साल गरीब मरीजों के मुफ्त इलाज पे खर्च करते हैं, 9 अरब रुपया। सो मेरा पॉइंट कहने का ये है कि हम जब अपनी विजन सेट करते हैं, तो एक चीज़ याद रखें कि अपनी विजन से कभी नीचे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। जो कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, वो अपनी विजन के लिए करना चाहिए, विजन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और फिर उस विजन को, उसको अपग्रेड करें, उससे नीचे कभी ना आए। कभी अपना टारगेट एक दफ़ा सेट कर दिया, उससे नीचे ना आए, फैसला कर लें कि मैंने यही करना है। जो मैंने देखा है लोगों को, जब मुश्किल वक्त आता है, असल में इंसान का टेस्ट ही मुश्किल वक्त में होता है। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को मुश्किल वक्त में सबको देखा हुआ है, मैंने आपकी वो लेवल देखा हुआ है कि किसका किस पॉइंट के ऊपर वो घबरा जाता है, फिर वो किस पॉइंट पे फलाना घबरा जाता है, तो वो मैंने सबको आपको चेक किया हुआ है मुश्किल वक्त में। वो ज़रूरी होता है कैप्टन के लिए अपनी टीम को चेक करना। लेकिन ये याद रखें कि देखिए, जब मुश्किल वक्त में आप, कुरान के अंदर अल्लाह क्या कहता है, सबसे बड़ी इंसान की सिफत क्या है, वो जो मुश्किल वक्त में सब्र करता है, पेशेंस इन एडवर्सिटी, ये सबसे ज्यादा, वो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें फिर इंसान का जो कैलिबर है ना, वो बढ़ता जाता है। आप हर जितना आप मुश्किल वक्त को फेस करते हैं, आप में कैपेसिटी मुश्किल वक्त की फेस करने की बढ़ जाती है अगली दफा। तो इस तरह एक इंसान को, कोई भी पैदा नहीं होता कोई बड़ा अजीम आदमी, लोग बनते हैं ये एडवर्सिटी देख के, मुश्किल वक्त देख के, डाउन साइकिल्स में सीख के, और सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त आपको सिखाता है। मैं जब 3 साल पहले ये जब गवर्नमेंट मिली, तो मैं अब कंपेयर करता हूँ कि 3 साल पहले, तो मैं अब देखता हूँ तो जितना मैंने सीखा है इन 3 साल में, मेरे ख्याल में मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सीखा इतने शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त ये था। और यही
मैं अपनी कैबिनेट को ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया हमने कि अब हम हमारे पास क्वार्टरली टारगेट्स होंगे, लेकिन कोशिश करें कि इनको एक्सीड करें। देखिए, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एज फेडरल मिनिस्टर, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एक्सेल करने की। जो कुरान में अल्लाह कहता है कि इंसान को वो ही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, जितनी वो स्ट्रगल करता है वो ही मिलता है। तो आप जितनी स्ट्रगल करेंगे आप उतना ऊपर चले जाएंगे। तो जो स्ट्रगल नहीं करता, ये दुनिया की तारीख में आज तक कोई इंसान ऊपर आया ही नहीं जिसने मेहनत नहीं की। अगर आज यहूदी दुनिया के ऊपर सबसे थोड़े से यहूदी दुनिया को क्या कहें, सबसे ताकतवर कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यही यहूदी हैं। हर चीज़ में, हर यूनिवर्सिटी अमेरिका में चले जाओ, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। तो मेहनत करते हैं वो, तो वो अल्लाह का, तो जब से उसने दुनिया बनाई है उसका तो हुक्म भी है कि कामयाबी तो उसी को मिलनी है जो मेहनत करता है, चाहे वो काफर हो चाहे मुसलमान हो। तो हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि हम सारे माफियाज के सामने खड़े हुए हैं। सारे जो इस मुल्क का वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो चेंज नहीं चाहता, वो अपोज कर रहा है। अब इससे ज़्यादा चीज़ क्या हो सकती है कि EVM मशीन्स को अपोज कर रहे हैं। अब सोचिए, यानी इससे हमें क्या फ़ायदा है EVM मशीन्स? कोई आज तक हर इलेक्शन मुतनाज़ा होती है, हर इलेक्शन छोड़े सेनेट की इलेक्शन, जिधर कोई 1500 वोट होती है वो भी मुतनाज़ा हो जाती है। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया जो गवर्नमेंट में आता है कि इसको अब हमने कैसे ठीक करना है, क्या हमने इसी तरह चलते रहना? क्यों बाकी दुनिया में जर्मनी वगैरह इलेक्शन, क्यों वहाँ शोर नहीं मचता? पहली दफ़ा अमेरिका में मैंने देखा था शोर मचा, और वो भी क्योंकि उनका सिस्टम इतना ठीक था, एकदम ख़त्म हो गया। यहाँ हर 1970 के बाद हर इलेक्शन में कोई जो हारता वो कहता धांधली हो गई। अब हम एक सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि बड़ा ऑब्वियस है कि ये अगर जितने भी पाकिस्तान के मसले हैं वो हल कर देगा EVM। अब इसके ऊपर कैसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वो लोग जो एक करप्ट सिस्टम से बेनिफिट कर रहे हैं वो इसको अपोज कर रहे हैं। ये किसी को फ़ायदा तो पहुँचा ही नहीं सकता। ये तो बड़ा सिंपल चीज़ है कि इलेक्शन हुआ, बटन प्रेस किया, रिजल्ट आ गया, और सारे प्रॉब्लम्स हमारे इलेक्शन पोलिंग क्लोज करते हैं उसके बाद आते हैं सारे प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर उसको अपोज कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि हमारा ये चैलेंज कितना बड़ा है। ये जो लोग ये इस मुल्क में कौन है जो इस मुल्क को चेंज नहीं होने देते? ये छोटा सा वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये थोड़े से लोग हैं, ये बेनिफिट कर बैठे हैं इस करप्ट सिस्टम से, और वो सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। तो इसलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये जो आखिरी 2 साल हैं ये क्रिटिकल है हमारे लिए, क्योंकि हमने बेसिकली पहला साल तो सर्वाइव किया हमने, दूसरे साल में ये जो हमने चैलेंजेस लिए, यानी एक तरफ इकॉनमी संभाल ली है, दूसरी तरफ कोरोना आ गया और जिस तरह वो हैंडल किया गया, मेरे ही ख्याल में कि हमने वो क्रेडिट लिया है जिस तरह हमने COVID-19 को जिस तरह हमने फेस किया है। मैंने नहीं समझता कि हमने पूरी तरह, हमारी गवर्नमेंट ने इसका सही बारे में अप्रिशिएट किया कि किस तरह की कितने मुश्किल फैसले थे, कितना प्रॉब्लम था ये जो बैलेंस करना है दो मुश्किल रास्ते में, लोगों की जानें भी बचानी है, इकॉनमी बचानी है, और उसमें फिर जो चैलेंजेस थे। तो हमने बड़ी मुश्किल वक्त से निकल के यहाँ आए हैं। अब इंशाल्लाह हमारा टाइम है कि हम ये साल पूरी मेहनत कर लें, तो इंशाल्लाह ये हम उधर पहुँच जाएंगे कि आपको जो लोग कहते हैं ना जी मेरे हल्के के लिए MNA कहता है जी मुझे पैसे दो, डेवलपमेंट फंड अगर नहीं मिले तो मैं हार जाऊँगा। कभी आप डेवलपमेंट फंड से नहीं जीतेंगे, आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और मैं जो अपने जो हमारे सूबे हैं KP और पंजाब में, और अब तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, लेकिन जो असल बैटल है वो इस वक्त पंजाब की है। और पंजाब में लोग बड़े ये कहते हैं कि जी देखें आपने बड़े चेंजेस कर देते हैं, ये आप फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, चेंजेस का कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए, आपने गवर्नेंस सिस्टम बेहतर की या नहीं की। तो वो हमारे लिए चैलेंज है, और इंशाल्लाह अगर हमने ये आखिरी 2 साल पूरा जोर लगा दिया, अपने जो भी हमने अपने आप को टारगेट सेट किए उनको एक्सीड कर दिया, तो इंशाल्लाह
ये पार्टी और मजबूत हो के, हमारी कोलिशन गवर्नमेंट और मजबूत हो के इंशाल्लाह आगे आएगी। अरबाब शहजाद अरबाब, आपको फिर से मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ।